नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी सीरीज का सेकंड पार्ट एनिमल एंड एन प्लांट के साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ेंगे और यहां से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर साइंटिफिक नेम की शुरुआत कैसे हुई उसके बाद हम एनिमल के साइंटिफिक नेम ट्रिक के साथ देखेंगे उसके बाद प्लांट्स के साइंटिफिक नेम ट्रिक के साथ देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर साइंटिफिक नेम की जरूरत क्यों पड़ी तो दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती है और प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि भारत में लायन को क्या कहते हैं शेर या सिंह कहते हैं और वहीं स्पेन में शेर को क्या कहा जाता है तो लियोन कहा जाता है पोलिश में लोय कहते हैं और स्वाहिली भाषा में शेर को सिंभा कहते हैं तो स्वाहिली भाषा तो स्वाहिली भाषा दक्षिण हिंद हिंदमा तो स्वाहिली भाषा हिंद महासागर में जो सोमालिया वाला देश है वहाँ से लेकर मोजाम्बिक वाले क्षेत्र में बोली जाती है तो स्वाहिली भाषा में शेर को सिम्भा कहा जाता है तो देखिए जानवर एक ही है शेर पर उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है पर जानवर एक है तो इसीलिए क्या किया गया कि एक जानवर का एक ही साइंटिफिक नेम रखने का विचार आया कि एक जानवर को पूरी दुनिया में एक ही वैज्ञानिक नाम से जाना जाएगा और वैसे इसके स्थानीय नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होंगे जैसे लाइन को भारत में क्या कहते हैं शेर कहते हैं पर वहीं पोलिश भाषा में इसे लोय कहते हैं पर इसका साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में एक ही रहेगा इसीलिए साइंटिफिक नेम का विचार आया कि जो भी जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं इनके स्थानीय नाम तो अलग होंगे पर इनका वैज्ञानिक नाम पूरी दुनिया में एक ही रहेगा तो अलग अलग नामों की इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नामों की व्यवस्था की गई है तो कार्लिनियस नाम के स्वीडिश जी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी कि साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की थी और इसको नॉमिनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि टैक्सोनॉमी के तीन स्टेप होते हैं पहले अगर कोई भी जीवधारी है उसका क्या किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन की जाएगी उसके बाद क्लासिफिकेशन होगी और तीसरा स्टेप क्या था उसका नोमिक्लेचर यानी कि नामकरण तो वही नामकरण आज हम देखेंगे तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है कारलिनियस जिन्हें कैरोलस लेनियस भी कहा जाता है तो कार्लिनियस के द्वारा दी गई इस पद्धति को द्विनाम पद्धति या बायोनेमियल नोमिनक्लेचर कहते हैं रखेगा उन्होंने जो ये साइंटिफिक नेम की पद्धति दी है इसे बायनोमियल नोमिनचर या द्वि नाम पद्धति कहा जाता है तो साइंटिफिक नेम को दो भागों में बांटा गया है पहला है जूलोजिकल नोमिनक्लेचर यानि कि जंतु नामकरण जिसमें सभी जीव जंतुओं का नामकरण होगा दूसरा है बोटैनिकल नोमिनक्लेचर यानी कि पादप नामकरण जिसमें सभी पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ आ जाती हैं तो जंतु नामकरण में सभी जीव जंतुओं को कवर किया गया है और पादप नामकरण में सभी पेड़ पौधों को कवर किया गया है तो कार लीनियस ने साइंटिफिक नेम को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स बताए हैं कुछ नियम बताए हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है तो पहला रूल है कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा ये लैटिन वर्ड्स में होगा तो लैटिन बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है जैसे संस्कृत पुरानी लैंग्वेज है ना इसी प्रकार लैटिन भी पुरानी लैंग्वेज है तो उन्होंने कहा कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा ये लैटिन वर्ड में होगा दूसरा रूल है कि साइंटिफिक नेम टू वर्ड्स का होगा जैसे आपको पता होगा कि मनुष्य का यानी कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है तो होमो सेपियंस आपको पता होगा तो ये नाम दो शब्दों का है ना तो इसी प्रकार जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे ये टू वर्ड्स के होंगे और तीसरा नियम क्या है जो भी साइंटिफिक नेम होंगे वो होंगे तो टू वर्ड्स के तो उसमें से जो पहला वर्ड होगा जो फर्स्ट टर्म होगा ना पहला वर्ड उस जंतु या पौधे के वंश के बारे में बताएगा उसके जीनस के बारे में बताएगा जैसे मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो होमो क्या है ये वंश है तो पहला वर्ड उस साइंटिफिक नेम के वंश के बारे में बताएगा और सेकंड वर्ड उस साइंटिफिक नेम के जाति यानी कि स्पीसीज के बारे में बताएगा जैसे सेपियंस क्या है स्पीसीस है होमो क्या है तो ये वंश है उसके बाद चौथा रूल क्या है कि जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है तो जब भी कोई भी साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा तो पहले वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होगा यानी कि होमो का जो एच है ये कैपिटल लेटर में होगा और जो सेपियंस का एस है ये स्मॉल लेटर में होगा तो ये सभी नियम किसने बताए हैं तो ये कार ने बताए हैं और ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो जैसे होमोसेपियंस लिखा है तो एच क्या होगा कैपिटल होगा पर स्पीसी का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा सेपियंस का जो एस होगा ये स्मॉल लेटर का होगा पांचवा रूल क्या है कि प्रिंटिंग मटेरियल पर जब भी साइंटिफिक नेम छापा जाएगा तो वो इटैलिक फ़ॉन्ट में होगा तो इटैलिक फॉन्ट कैसा होता है जो आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा तिरछा होता है तो इन्होंने कहा कि जब भी जो साइंटिफिक नेम होगा किसी प्रिंटिंग मटेरियल यानी कि अखबार पर किताबों पर जब भी छापा जाएगा तो वो इटैलिक फ़ॉन्ट में होगा ताकि पूरे पैरे में ये अलग दिखाई दे हमें पता चल जाए कि ये साइंटिफिक नेम है तो ये इटैलिक फ़ॉन्ट में होगा और छठा रूल है कि जब भी साइंटिफिक नेम हैंड रिटर्न होगा तो ये अंडरलाइन होगा यानी कि जब भी हम कॉपी पर साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो वो अंडरलाइन होगा तो ये छह रूल कारस के द्वारा दिए गए थे और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इसीलिए मैंने कवर किया है तो आगे अब हम पहले एनिमल्स के साइंटिफिक नेम देख लेते हैं यानी कि जंतुओं के साइंटिफिक नेम देख लेते हैं तो वैसे तो इस दुनिया में कई सारे जंतु हैं पर सभी के साइंटिफिक नेम आपको नहीं याद रखने तो जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं मैंने उन्हीं साइंटिफिक नेम को कवर किया है और अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है मैंने इन्हें ट्रिक से याद कराया है क्योंकि साइंटिफिक नेम है तो आपको थोड़ा याद रखना मुश्किल होगा पर हम इसको रिलेट करके और ट्रिक से आसानी से याद कर लेंगे तो पहला तो है मनुष्य यानी कि ह्यूमन तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है तो देखिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिख दिया है पर आपको इंग्लिश में ही याद रखना है क्योंकि जो साइंटिफिक नेम होगा मैंने आपको बताया वो लैटिन भाषा में होगा तो लैटिन भाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही तरह होगी तो मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है यह तो आपको पता ही होगा कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है तो होमोसेपियंस ये मनुष्य का साइंटिफिक नेम है दूसरा है मेंढक तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या है तो मेंढक का साइंटिफिक नेम है राना टिगरीना क्या नाम है राना टिगरीना तो इसे हम कैसे याद रखेंगे तो मेंढक की साउंड कैसे होती है तो मेंढक टर टर करता है जब बरसात होती है तो मेंढक टर टराना शुरू कर देते हैं तो टर टराना इनकी आवाज़ में ही इनका साइंटिफिक नेम छिपा हुआ है तो टर टराना में क्या है राना तो इनका साइंटिफिक नेम भी क्या है राना टिगरीना तो टर टराना में क्या है राना और इनका साइंटिफिक नेम क्या है राना टिगरीना तो ऐसे ही आप रिलेट करके याद करेंगे तो देखना आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि वैसे तो बहुत सारे नेम हैं इनको याद रखना आसान नहीं है तो ऐसे ही छोटी से स्टोरी बनाकर और शब्दों को रिलेट करके अगर आप याद करेंगे तो बहुत ही लंबे समय तक आपको याद रहेगा तो राना टिगरीना किसका साइंटिफिक नेम है मेंढक का उसके बाद है बिल्ली यानी कि कैट तो बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या है फैलिस डोमेस्टिका क्या नाम है फैलिस डोमेस्टिका तो इसके पीछे क्या है डोमेस्टिका डोमेस्टिक यानी कि घरेलू तो आप देखते ही हैं कि आजकल जो बिल्ली है इसे घरेलू जानवर की तरह पाला जाता है विदेशों में तो बिल्ली को खूब पाला जाता है अब भारत में भी ये चलन शुरू हो गया है तो डोमेस्टिका से आप इसे रिलेट करेंगे तो फैलिश डोमेस्टिका किसका साइंटिफिक नेम है तो बिल्ली का अब हम आगे चलते हैं तो आगे है चूहा तो चूहा का साइंटिफिक नेम क्या है तो रैट का साइंटिफिक नेम है रैटस रैटस तो इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है रैट का साइंटिफिक नेम क्या है टस रैटस उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी कि पिकोग तो मोर का साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लगभग हर एक एग्जाम एक में यह नाम तो पूछा ही गया है कि मोर का साइंटिफिक नेम क्या है पावो क्रिस्टेटस एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है तो इसे तो आप याद रख ही लेना कि मोर का साइंटिफिक नेम क्या है पावो क्रिस्टेटस तो ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे याद कैसे करेंगे तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से इसे याद कराता हूँ तो बचपन में मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी जिसमें वो मुझे बताती थीं कि जो मोर है ना वैसे तो बहुत सुंदर है पर एक दिन क्या हुआ कि जो उसके पैर है ना किसी दूसरे पक्षी ने मोर से मांग लिए और अपने बसूरत पैर मोर को दे दिए जिसके बाद क्या होता है कि जब भी मोर अपने वो बसूरत पैर देखता है जो कि दूसरे पक्षी ने उसे दे दिए हैं तो वो बहुत रोता है तो मोर क्या करता है अपने पैरों को देख बहुत रोता है ये कहानी मुझे दादी सुनाती थी बचपन में तो ये कहानी मुझे उस समय तो समझ नहीं आई कि मुझे दादी मोर का साइंटिफिक नेम बता रही हैं पर मैंने इस कहानी को बहुत ध्यान से सुना था तो अब हम इस कहानी से मोर के साइंटिफिक नेम को याद रखेंगे तो मोर जब भी अपने पाँव को देखता है तो वो रोता है तो मोर का साइंटिफिक नेम क्या है पावो क्रिस्टेटस तो पावो को आप रिलेट करेंगे पाँव से और क्राइस्टेटस को पहले तीन वर्ड क्या हैं क्राए तो जब भी मोर अपने पाओं को देखता है तो वो क्राय करता है वो रोता है तो इस तरह आप रिलेट कर पाएंगे देखना अब आपको कभी भूलेगा नहीं कि मोर जब भी अपने पाँव को नहीं भावों को देखता है तो वो क्राय करता है यानी कि रोता है अब आपको ये याद रहेगा जब चार ऑप्शन दिए होंगे ना तो आपके दिमाग में ये कहानी चलेगी अब आपको भूलेगा नहीं उसके बाद अगला एनिमल है कुत्ता यानी कि डोग तो डोग का साइंटिफिक नेम क्या है तो कैनिस फैमिलियर्स ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसे याद रखना भी आसान है क्योंकि कुत्ता ही एक इकलौता जानवर है जो इंसानों के साथ बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाता है यानी कि वो इंसानों के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है तो कैनिस फैमिलियर्स यानी कि कुत्ता इंसानों के साथ बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाता है तो डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है कैनिस फैमिलियर्स तो इसे याद रखना आसान है उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे है गाय तो गाय का साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस वेरी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है तो बोस इंडिकस इंडिकस को आप रिलेट करेंगे इंडिया से और बोस तो बोस है ही तो गाय को इंडिया में बोस की तरह ही माना जाता है उसकी पूजा भी होती है तो बोस इंडिकस किसका साइंटिफिक नेम है गाय का उसके बाद है भैंस यानी कि बफेलो तो भैंस का साइंटिफिक नेम क्या है तो बुबालस बुबालिस तो बहुत ही फनी नेम है बुबालस बुबालिस ये किसका साइंटिफिक नेम है तो बफैलो का तो इसका साइंटिफिक नेम भी इसके नेम की तरह ही सिमिलर है बफेलो का साइंटिफिक नेम है बुबालस तो इसके नाम से ही रिलेट करके आप इसे याद कर पाएंगे उसके बाद है शेर यानी कि लायन तो शेर का साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो तो इसके पीछे क्या है लियो तो लियो को ही आप रिलेट करेंगे तो लियो किसका साइंटिफिक नेम है शेर का इसी के वंश का एक जानवर है बाघ यानी कि टाइगर तो दोनों की शुरुआत हो रही है पैंथरा से वो पैंथरा लियो था और ये पैंथरा टाइग्रिस है तो लियो किसका साइंटिफिक नेम है लाइन का और टाइग्रिस किसका साइंटिफिक नेम है टाइगर का याद रखना आसान है उसके बाद है हाथी यानी कि एलिफेंट तो एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस तो इसका साइंटिफिक नेम भी इसके नेम के सिमिलर है एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है एलिफस तो इसके नाम से ही सिमिलर है तो इसी से रिलेट करके आप इसे याद कर लेना उसके बाद है भेड़ तो भेड़ का साइंटिफिक नेम है ओविस एरिस तो इसे एरिस प्रोनाउंस करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम है ओविस एरिस तो इसे आप कैसे याद करेंगे तो अगर आप राशिफल देखते होंगे तो जो मेष राशि होती है ना मेष राशि को इंग्लिश में एरिस कहते हैं तो जो मेष राशि का सिंबल होता है ना आपने अगर सिंबल देखा होगा तो वो सिंबल भेड़ का ही होता है तो एरिस राशि का जो सिंबल होता है वो भेड़ ही होता है तो भेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है ओविस एरिस उसके बाद अगला एनिमल है ऊंट यानी कि कैमल तो कैमल का साइंटिफिक नेम है कैमलस डोमेडेरियस क्या इसका साइंटिफिक नेम है कैमलस डोमेडेरियस तो इसे याद रखना भी आसान है कैमल का साइंटिफिक नेम है कैमलस उसके बाद है बंदर यानी कि मंकी तो बंदर का साइंटिफिक नेम है रीसस मैकाक क्या नाम है रीसस मैकाक तो इसकी ट्रिक नहीं बन पाई इसे ही आप याद रख लेना वैसे तो मंकी और मैकॉक ये रिलेट कर रहे हैं इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं मंकी में उसके बाद है सांप तो सांप का साइंटिफिक नेम है सबोडर सरपेंटस क्या इसका साइंटिफिक नेम है सबोर्डर सरपेंटस तो इसे याद रखना भी आसान है तो सांप को सर्प भी कहा जाता है तो इसका साइंटिफिक नेम भी क्या है सरपेंटस तो सरपेंटस में क्या आ रहा है सर्प शुरुआत में है ना सर्प तो इसी से आप रिलेट करके इसे याद कर पाएंगे उसके बाद आगे चलते हैं तो अगला जानवर है बकरी तो बकरी का साइंटिफिक नेम है कैपरा हिरकस क्या नाम है कैपरा हिरकस इसे आप याद कर लेना उसके बाद है घोड़ा तो घोड़े का साइंटिफिक नेम है इक्वस कैबिलस इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया है तो घोड़े का साइंटिफिक नेम क्या है इक्वस कैबिलस तो इसे आप कैसे याद करेंगे तो कैबिलस में क्या है शुरुआत में आप देखेंगे तो कैब तो आजकल तो जब हम कैब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ओला उबर आती है पर पहले के जमाने की कैब क्या होती थी तो घोड़ा गाड़ी तो जब भी कैब आए तो आपके दिमाग में हॉर्स कैब याद आना चाहिए यानी कि घोड़ा गाड़ी तो पहले के ज़माने की कैब कौन सी थी तो घोड़ा गाड़ी तो पहले के ज़माने की कैब में घोड़ा होता था तो घोड़े का साइंटिफिक नेम क्या है इक्वस कैबेलस तो ऐसे आप रिलेट करके इसे याद कर पाएंगे उसके बाद है मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई तो मक्खी का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका तो इसके नाम के पीछे भी डोमेस्टिका है यानी कि ये घरों में पाई जाती है घरेलू मक्खी है पीछे हमने बिल्ली के बारे में भी पढ़ा था फैलिश डोमेस्टिका और जो मक्खी है ये है मस्का डोमेस्टिका तो मक्खी के साइंटिफिक नेम को कैसे याद कर पाएंगे डोमेस्टिका से आपको ये तो पता चल जाएगा कि घरेलू चीज़ है तो मक्खी का साइंटिफिक नेम है मस्का तो इसे आप मक्खा से रिलेट करेंगे मक्खा मस्का मक्खा मस्का तो मक्खी या मक्खा इसका साइंटिफिक नेम क्या है तो मस्का को आप मक्खा से रिलेट करेंगे तो ऐसे आपको ये याद रहेगा उसके बाद आगे चलते हैं तो डोल्फिन तो डोल्फिन का साइंटिफिक नेम है डेल्फिनस डेल्फिस याद रखना आसान है डोल्फिन का साइंटिफिक नेम है डेल्फिनस डेल्फिस तो इसके नाम के ही सिमिलर है तो याद रखना आसान है उसके बाद है शुतुरमुर्ग तो शुतुरमुर्ग का साइंटिफिक नेम है स्ट्रोथियो कैमलस क्या नाम है स्ट्रूथियो कैमलस तो ये नाम आप याद कर लेना उसके बाद आगे है अजगर यानी कि पाइथन तो पाइथन का साइंटिफिक नेम है पाइथन मोलुरस क्या नाम है पाइथन मोलुरस एग्जाम में पूछा भी गया है कि अजगर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो पाइथन मोलुरस अगर आपको ये पता होगा कि अजगर को इंग्लिश में पाइथन कहते हैं तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि अजगर का साइंटिफिक नेम है पाइथन मोलुरस तो जो इम्पोर्टेंट एनिमल थे ना जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके साइंटिफिक नेम हमने देख लिए अब हम प्लांट्स के साइंटिफिक नेम देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले है भारत का राष्ट्रीय फूल यानी कि कमल तो कमल का साइंटिफिक नेम क्या है ये तो आपको बिना ट्रिक के ही याद होना चाहिए जैसे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका साइंटिफिक नेम भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका साइंटिफिक नेम आपको बिना ट्रिक के ही याद होना चाहिए दो तीन बार पढ़ लेंगे तो वैसे भी आपको याद रहेगा तो कमल का साइंटिफिक नेम है नीलाम्बो न्यूसीफेरा लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है नीलाम्बो न्यूसीफेरा उसके बाद है बरगद तो बरगद का साइंटिफिक नेम क्या है तो बरगद का साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगलेसिस क्या नाम है फिकस बेंगलेसिस तो इसमें क्या है लेसिस यानी कि लेस तो जो बरगद है अगर आपने बरगद देखा होगा ना तो लेस की तरह यानी कि फीते की तरह आप देखेंगे कि उसकी जड़ें लटकी होती हैं लेस की तरह तो ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे कि बेंगलेसिस यानी कि लेस की तरह बरगद की जो जड़ें होती हैं वो भी लटकी होती हैं तो बरगद का साइंटिफिक नेम क्या है फिकस बेंगलेसिस उसके बाद है नीम तो नीम का साइंटिफिक नेम है आज़ादी राख्ता इंडिका तो इंडिया में आप देखेंगे कि हर जगह नीम पाई जाती है तो नीम का साइंटिफिक नेम है आज़ादी इंडिका उसके बाद आगे है सेब तो सेब का साइंटिफिक नेम है मेलस प्यूमिला या मेलस डोमेस्टिका तो इसे मेलस प्यूमिला भी कहते हैं मेलस डोमेस्टिका भी कहते हैं तो यह है सेब का साइंटिफिक नेम उसके बाद है पपीता यानी कि पपाया तो पपीता का साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया कितना आसान है पपीता का साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया उसके बाद है नींबू यानी कि लेमन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है तो साइट्रस लीमन तो इसे याद रखना भी आसान है लेमन का साइंटिफिक नेम है लीमन तो रिलेट ही कर रहा है तो नींबू का वैज्ञानिक नाम है साइट्रस लीमन उसके बाद आगे चलते हैं तो तरबूज का साइंटिफिक नेम क्या है तो तरबूज का साइंटिफिक नेम है सिट्रोलस लेनेटस क्या है सिट्रोलस लेनेटस तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है इसे आप याद कर लेना और अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक बनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उसके बाद आगे है आम तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगी फेरा इंडिका तो कितना आसान है मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा तो रिलेट कर रहा है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैंगो का यानी कि आम का साइंटिफिक नेम क्या है तो इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगी फेरा इंडिका उसके बाद आगे चलते हैं तो अमरूद यानी कि गुवावा का साइंटिफिक नेम है तो सीडियम गोवा जावा तो थोड़ा सा घुमाया है पर आप इसे आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि गुआवा का साइंटिफिक नेम है गुआ जावा तो आसान है उसके बाद आगे चलते हैं आगे है अनार यानी कि पोमे ग्रेनेट तो अनार का वैज्ञानिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम तो ग्रेनेटम का मतलब होता है दाने तो अनार में बहुत सारे दाने होते हैं और वैसे भी याद रखना आसान है पोमे ग्रेनेट के पीछे है ग्रेनेड और इसका नाम भी क्या है ग्रेनेटम तो याद रखना आसान है तो पोमे ग्रेनेट का साइंटिफिक नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम आगे है अनानास यानी कि पाइनएप्पल तो अनानास का साइंटिफिक नेम क्या है तो अनानास कोमोसस तो ये तो खुद ही बता रहा है कि मेरा साइंटिफिक नेम क्या है अनानास कोमोसस तो उसके बाद है इमली यानी कि टैमरिंड तो टैमरिंड का साइंटिफिक नेम क्या है तो टैमरिंडस इंडिका आसान है टैमरिंड का साइंटिफिक नेम है टैमरिंडस इंडिका उसके बाद आगे चलते हैं तो छुई मुई पौधा इंग्लिश में कहते हैं शेम प्लांट तो छुई मुई पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है तो इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका आपको पता है कि जब छुई मुई पौधे को छूते हैं तो यह अपने पत्तों को क्या करता है सिकोड़ लेता है तो छुई मुई पौधा जब इसको छूते हैं ना तो ये अपने पत्तों को सिकोड़ लेता है तो इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका उसके बाद आगे चलते हैं तो चावल तो धान का साइंटिफिक नेम है ओराइजा राइजा सेटिवा एग्जाम में पूछा गया है कि धान का साइंटिफिक नेम क्या है तो इसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सेटिवा तो ओराइजा में क्या है राइज और हम किसका साइंटिफिक नेम पढ़ रहे हैं तो धान तो धान से ही चावल बनता है चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं राइस तो राइस और राइज रिलेट हो रहा है तो ऐसे ही आप नाम से रिलेट करके इसे याद कर पाएंगे ओराइजा में क्या है राइज और धान से ही चावल बनता है तो धान का साइंटिफिक नेम क्या है ओराइजा सेटिवा उसके बाद आगे है आलू तो आलू का साइंटिफिक नेम क्या है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम टूब तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है आलू का साइंटिफिक नेम है सोलेनम टूब तो इम्पोर्टेंट है तो इसे याद कैसे करेंगे तो जो आलू है ना ये एक ऐसी सब्जी है जिसकी कोई इज्जत नहीं है मतलब कि इसे लगभग हर एक सब्जी के साथ मिलाकर बना दिया जाता है जैसे आलू गोभी आलू प्याज आलू मटर तो इसकी कोई इज्जत नहीं है किसी भी सब्जी के साथ मिलाकर इसे बना दिया जाता है तो आलू की कोई इज्जत नहीं है तो इसीलिए बेचारे आलू की आंखें नम हो गई और आलू रो रहा है तो इसी स्टोरी से आपको ये साइंटिफिक नेम याद रहेगा कि आलू की कोई इज्जत नहीं है इसीलिए उसकी आंखें नम हो गई और वो रो रहा है तो आंखें नम हो गई तो सोलेनम में क्या है नम और टुबरोसम में रो तो आलू की आंखें नम हो गई हैं और वो रो रहा है तो सोलेनम टुबरोसम तो देखना जब भी ये प्रश्न आएगा ना और चार ऑप्शन दिए होंगे तो ये स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी कि आलू की आंखें नम हो गई हैं और वो रो रहा है तो सोलेनम टुब ये किसका साइंटिफिक नेम है तो ये आलू का साइंटिफिक नेम है उसके बाद आगे है मटर यानी कि पी तो इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम तो याद रखना आसान है पी का साइंटिफिक नेम है पीसम तो थोड़ा सा रिलेट हो रहा है पी का साइंटिफिक नेम है पीसम उसके बाद आगे चलते हैं तो गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या है तो गेहूं का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम क्या है ट्रिटिकम एस्टिवम तो ये नाम आप याद रख लेना उसके बाद आगे है बांस बांस यानी कि बैम्बू तो बैम्बू का साइंटिफिक नेम है बैम्बूसा वुलगारिस तो याद रखना भी आसान है बैम्बू का साइंटिफिक नेम क्या है बैम्बूसा तो आज का हमारा आखिरी साइंटिफिक नेम है तुलसी तो तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है तो ओसीमम फ्लोरम ये किसका साइंटिफिक नेम है तो ये तुलसी का साइंटिफिक नेम है तो तुलसी हमारे आंगन में लगी होती है जिसे हमारा आंगन क्या लगता है ओसम लगता है तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है ओसिमम तो ओसिमम को आप ओसम से रिलेट करेंगे कि तुलसी हमारे आंगन में लगी होती है जिसे हमारा आंगन ओसम लगता है तो इसका साइंटिफिक नेम है ओसिमम तो यहाँ पर हमारा थेरी सेक्शन कंप्लीट होता है अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो पहला प्रश्न है कि द्वि नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी तो द्वि नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी तो कार्ल लिनियस के द्वारा तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है इन्हें कैरोलस लिनियस भी कहा जाता है अगला प्रश्न है कि जानवरों के वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है तो साइंटिफिक नेम लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है तो लैटिन भाषा का तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अगला प्रश्न है कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिगरीना तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पावो क्रिस्टेटस अगला प्रश्न है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है हमने पढ़ा था तो इसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस ऑप्शन ए इसका सही जवाब है अगला प्रश्न है कि शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो लायन का वैज्ञानिक नाम है लियो पैंथरा लियो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अगला प्रश्न है कि एल्फस मैक्सिमस किसका वैज्ञानिक नाम है तो एलिफस मैक्सिमस किसका वैज्ञानिक नाम है तो ये एलिफेंट का यानी कि हाथी का वैज्ञानिक नाम है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अगला प्रश्न है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आपको बताना है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है तो, तो कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है अगला प्रश्न है कि मैंगीफेरा इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है तो मैंगीफेरा इंडिका किसका कि वैज्ञानिक नाम है तो ये मैंगो का यानी कि आम का वैज्ञानिक नाम है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अगला प्रश्न है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो, तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तो आज का आखिरी प्रश्न है कि तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो मैंने जो आपको स्टोरी बताई थी उसे आप इसे रिलेट कर पाएंगे तो हमारे आंगन में तुलसी होती है जिससे हमारा आंगन ओसम दिखता है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना धन्यवाद